धन्यवाद सरदार सुखदेव सिंह धिंसा जी. थैंक यू सर. सभापति जी, मैं आज राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे जो बहस हुई है उसमें उसके पक्ष में खड़ा हुआ. और ठीक है, सभी ने बोलने वालों ने कहा है कि सरकार की नीतियों का, सरकार के काम करने का, क्या किया आगे क्या करना, वही होता है. लेकिन वो कहते हैं कि राष्ट्रपति जी को तो बोलना ही पड़ता है. लेकिन राष्ट्रपति जी का जो पॉलिटिकल इतिहास है, तो ये देश के, ये इनको जो, अगर इनको ये सभापति जी ये जरा बंद करवाइए उधर थोड़ा सा, उनको ये बोले, बाहर जाके बोलेंगे. तो जैसे पहले मेरे साथियों ने भी कहा है कि राष्ट्रपति जी का बहुत बड़ा पॉलिटिकल इतिहास है, और उन्होंने, मेरा ख्याल है, भी देश का, जब भी वो सरकार में रहे तो बहुत बड़े अच्छे महकमे ही उनके पास रहे. तो वो उनका भाषण होना और उसका धन्यवाद करना सभी का फर्ज भी बनता है. दूसरी बात है कि अपोजिशन का फर्ज है कि वो नीतियों का विरोध करें, जरूर करें, लेकिन जो अच्छे काम होते हैं कम से कम उनको अच्छा तो कहना चाहिए. और उनके स्कीम हैं जो, देखिए मैं बोला नहीं आपके, आप बोलते थे तो सुनो. मैं अभी तो आपके पास आने वाला, आपके बात पर आने वाला हूँ, पहले मुझे ये कहने दो. उनकी स्कीमें देख लीजिए, चाहे फसल बीमा योजना है, कृषि सिंचाई योजना है, ग्राम सड़क योजना है, स्वच्छ भारत है, और जनधन योजना है, और बहुत योजनाएं हैं. उनका अभी शुरुआत है, वो कृष्मा तो नहीं होता कि आज ही वो पूरी एक साल में हो जाएगी पूरी. लेकिन रूरल डेवलपमेंट के लिए और कृषि के लिए आपने बजट में देखा है, जो राष्ट्रपति जी ने कहा वो उसमें उसका अमल शुरू हो गया. लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा देश है, 1.25 लाख करोड़ की आबादी है, और इसमें कहीं पहाड़ है, कहीं दूसरी है कोई, उसका इंतजाम करना हर सरकार के लिए टाइम तो लेता ही है. लेकिन ये लोग जो हमारे साथी हैं, उन्होंने तो बहुत लंबा समा राज किया है, वो आप बता दें कि उन्होंने क्या किया था. लेकिन मैं उसमें नहीं जाता. लेकिन सरकार को, मोदी जी ने जब से आए तो उनका एक मिशन है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ. लोगों ने उनको विश्वास में दिया है, देश के लोगों ने. लेकिन उनको टाइम देना चाहिए, वो उनकी जो स्कीमें हैं उसका साथ देना चाहिए. हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, जो गलत बात होती है उसको क्रिटिसाइज करो, जरूर करो, मैं नहीं कहता ना करो. तो इसमें बहुत बात नहीं मैं कहना चाहता, और करिश्मा तो नहीं होता, लेकिन नीयत क्या है वो देखनी चाहिए. उनकी नीयत बहुत अच्छी है और वो इसको करना भी चाहते हैं. लेकिन मैं, सबसे बड़ी बात है कि कृषि पर पहले किसी भी सरकार ने इतना ध्यान नहीं दिया जब इस अभी हुआ है. कृषि के लिए करने की भी बहुत ज़रूरत है, और भी बहुत करने की ज़रूरत है. मैं उस प्रदेश से आता हूँ पंजाब से, जिसने कृषि में सबसे आगे और 1.5% आबादी है, लेकिन पहले तो 70% भी सेंट्रल पूल में फूड ग्रेन देते थे, लेकिन आज भी 50% से ऊपर देते हैं. लेकिन मुश्किल ये है कि उन्होंने अपना सब कुछ गवा लिया. नीचे पानी इतना नीचे चला गया, 500 फुट चला गया, और इधर से, माफ़ करना, इनकी सरकार ने हमारा पानी भी हमसे छीन लिया. जब कोई भी रिपेरियन हक ही नहीं है तो उससे भी हमारा हक छीन लिया, तो इनकी सरकार ने छीना, और प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपने कलम से छीना है. लेकिन उसमें मैं इसके लिए नहीं जाता, क्योंकि मैं अभी कोर्ट में है, कोर्ट की बात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता. लेकिन जब से सरदार प्रकाश सिंह बादल बहुत ही सीनियर लीडर हैं देश के, आज 5वीं दफ़ा मुख्यमंत्री बने हैं,
उन्होंने अपने किसानों के लिए जो स्टेट कर सकती है तो उन्होंने किया। जिस दिन से बने हैं किसान को बिजली फ्री दे जाती है पानी के लिए, हालांकि इतने ट्यूबवेल हो गए। और उन जो मार्केटिंग सिस्टम है पंजाब जैसा मेरे ख्याल है देश में किसी ने कहीं जगह नहीं है। हर 5 किलोमीटर के बाद आपको वहाँ पर परचेज सेंटर मिलेगा, पक्का मंडी मिलेगी, और किसी भी देश में और कहीं नहीं है। और उसमें उनको सिस्टम जो कुछ सरकार कर सकती है तो उन्होंने किया है। लेकिन उन्होंने एक लिखा है कि जो कृषि बीमा योजना है उसके लिए पंजाब के लिए इतना हक में नहीं है, प्रधानमंत्री जी को लिखा है, सरकार को लिखा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका, क्योंकि तजर्बा बड़ा है, आप किसान हैं, उनका जो है कि बीमा में कोई चेंजेस करनी जरूर चाहिए, और उस बीमे से कोई फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला नहीं हो। दूसरा है कि कोई भी किसान के लिए पानी का बड़ी ज़रूरत है। हमारे पंजाब में तो इतना कि अगर 5-7 साल में कोई ना हुआ तो बंजर हो जाएगी सारी ज़मीन। और एक सबसे पुरानी UBDC कैनाल है जो देश में सबसे पुरानी है, और वो 400 किलोमीटर में है। अगर उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी वगैरह लगा लें तो 1300 किलोमीटर भी चली जाती है। और वो 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पर, गुरदासपुर, अमृतसर और तरन तारण, उनको जाती है। और उनके लिए एक उसमें पानी कम हो गया क्योंकि उसकी रिपेयर नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो उसकी रीमॉडलिंग के लिए सरकार को मुख्यमंत्री जी ने भेजा। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी उसका भी जरूर ध्यान रखें, अगर किसानी का करना है तो उसका भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी, सर मैं बहुत ज़्यादा इस पे नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे मालूम है कि आपने ज़्यादा मुझे टाइम नहीं देना। मैं जो कम्युनिटी से, सिख कम्युनिटी से संबंध रखता हूँ, इसका बहुत बड़ा इस देश की आज़ादी में हिस्सा है। मैं लोकसभा में था जब नानावती कमीशन की रिपोर्ट पे मैं बहस कर रहा था, तो उस वक्त भी मैं फिगर्स दी थी, आज भी मैं उसकी कुछ फिगर्स देता हूँ, ये मेरी नहीं है। ये है जी, रिकॉर्डेड बाई मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सेक्रीफाइसेस मेड बाई सिक्स ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। तो इसमें क्या है कि जिसको फांसी की सजा हुई तो वो 121 थे, तो उसमें से 93 सिख थे। और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ वो 2646 थे, उसमें सिख कितने थे, 2147। और जलियांवाला बाग में किलिंग दो आप जानते ही हुई, उसमें 1300 मारे गए बच्चे, बुजुर्ग, घोर, उसमें कितने थे, 799, 800 उसमें सिख था। और कूका लहर चली, उसमें 90 सिखों को तोपों से छेड़ा गया अंग्रेजों ने, क्योंकि वो गौ रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और इसके अलावा बजबज घाट में जो हुआ, 113 मरे, उसमें 67 सिख थे। वो कमागाटू मारा, वो अलहदा है वो उसमें। अच्छा, दूसरा है अकाली मूवमेंट में जब चले थे उसमें 500 के 500 सिख मारे गए थे। तो हमारी ये कुर्बानी थी इस देश को आज़ाद कराने के लिए, लेकिन हमारे साथ हुआ क्या कि इस देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, हमारा सबसे पवित्र जगह थी जो हरिमंदर साहब, उस पर फौज भेजी गई, टैंकों से उड़ा दिया गया, अकाल तक तो सबसे जो हमारा पूजनीय जगह है पढ़ाया गया। मैं ही नहीं कहता कि श्रीमती इंदिरा गांधी का कत्ल ठीक हुआ, मैं नहीं कहता, ना मेरी पार्टी कहती है, लेकिन महात्मा गांधी से बड़ी तो श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं थी। गौडसे ने मारा तो गौडसे को, और किसी गौडसे को तो कुछ नहीं कहा। श्री राजीव गांधी को एक तामिल ने मारा तो किसी तामिल को तो कुछ नहीं कहा, कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि उनका क्या कसूर है। लेकिन अगर श्रीमती इंदिरा गांधी को दो सिखों ने मार दिया तो जो 8,000 सिख का कत्ल किया गया और 3,000 दिल्ली में किया गया, तो उन सिखों का क्या कसूर था।
और ये नहीं, पहले उनका सामान लूटा, दुकानें लूटी, फैक्ट्रियां लूटी, और उसके बाद सिखों के घरों में लूट कर और उनको मारा गया। और 3003 दिन वो उस वक्त की सरकार सेंटर की, 3 दिन में किसी पुलिस को नहीं भेजा, कोई FIR नहीं दर्ज हुई, और कोई आर्मी बैठी रही, आर्मी को नहीं बुलाया गया। और ये नहीं, मेरे ज़्यादा उन्हीं दिनों की वह कि नवाब साहब पटौदी क्रिकेट के बहुत बड़े कैप्टन भी रहे हैं, तो जब उन्होंने एक हरन मार लिया तो हरियाणा की पुलिस, दिल्ली की पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये सभी उसके पीछे, जितनी अरेस्ट नहीं हो गए तो सारी पुलिस पड़ी। लेकिन यहाँ पर 3000 दिल्ली में मारा गया तो उसमें कहाँ गई थी वो पुलिस? और उसके बाद कमीशन बने 10, 9 कमीशनों में तो कुछ भी नहीं मिला। 10वां जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कमीशन 10वां नानावती कमीशन बनाया, मिला उसमें भी हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। लेकिन उन्होंने कुछ कांग्रेस लीडर्स को, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा कि ये लोगों ने शुरू करवाया था, लेकिन आज तक वो लोगों को कुछ नहीं हुआ, कोई भी किसी के नहीं हो रहा है। मैं उस दिन बोलते कहा था कि अगर उस वक्त उन लोगों को पकड़ लिया जाता, उनको सजाएं होती, मौत होती, तो ना गुजरात का होता, तो ना जो आज हरियाणा में हुआ वो होता। क्यों? लोग ये समझने गए कि जो मर्जी कोई करे, किसी को यहाँ पर कुछ नहीं होगा। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि हम इंसाफ मांगते हैं। दिल्ली में हमारी दिल्ली कमेटी है, जो सिख गुरुद्वारा कमेटी, वो हर रोज वहाँ पर मुजाहरे भी करती है, इंसाफ मांगती है, हमारी पार्टी इंसाफ मांगती है, लेकिन आज तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। मैं ये लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आज तो बड़ी बात कर रहे थे, तो उस वक्त भी मैं बोलते हुए कहा था कि उस वक्त ये कहाँ थे, क्यों नहीं किसी ने आवाज़ उठाई? अभी तक किसी दोनों हाउस में उसका रेजोल्यूशन तक नहीं किसी ने किया, क्या ये कसूर था हमारा? और यही नहीं है कि पाकिस्तान के साथ जंगें लड़ी तो पंजाब का कितना बड़ा रोड था, हमारी बहू बेटियों ने जाके फौजी भाइयों को जाके परौठे दिए, हमारे सिविलियन ट्रक जाके फौज का सामान देते रहे। और कौन जनरल थे जो? जनरल हरबख्श सिंह, जिसने बांग्लादेश बनाया, कौन जनरल था? वो जगजीत सिंह अरोड़ा। लेकिन जिस दिन वो कतलेआम हो रहा था दिल्ली में, जगजीत सिंह अरोड़ा जो हीरो था किसी टाइम, उसको अपनी जान आई के गुजरात के घर में जाके अपनी जान बचानी पड़ी। क्या है इस देश में, कोई जवाब दे सकता है इसका? फिर अनाज की 60s में कभी ऑस्ट्रेलिया जाता था देश, कभी कहीं जाता था, कणक नहीं थी, खाने के लिए अनाज नहीं था, लेकिन किसने दिया? ग्रीन रेवोल्यूशन लाए और 70-80% हमने अनाज दिया इस देश को, और सेंट्रल पूर्व में 80% अनाज, 1.5% जमीन है हमारे पास और 2% हमारी आबादी है, लेकिन हम 80% तक अनाज देते रहे, आज भी 50% से ज़्यादा दे रहे हैं। क्या यही इंसाफ था मुझे हमें मिला? क्या इसलिए हमारी लड़ाई थी? और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी ऐसा, हमें जब ये हिस्ट्री बताती है कि जब देश आज़ाद हो रहा था तो मिस्टर जिन्ना ने कहा था कि सिख इधर आ जाओ, हम आपको बहुत बड़ा मान देंगे, हम आपको पूरी इज्जत देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन हमने फैसला किया, हमारे लीडरशिप ने उस वक्त की रहे कि नहीं, देश के साथ रहेंगे। देश के साथ ये हुआ हमारे साथ, आज भी क्या हो रहा है कि अजीत अभी तक कोई कमीशन ने इंसाफ नहीं दिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि नई सरकार बनी है, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। क्या किसी देश में ऐसा हालात पैदा होते हैं जो हो गए? तो क्या हुआ सर? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि लोगों को, अभी हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा में पंजाबी उजड़ के वहाँ से आए, सारे पंजाबियों को देख के उनका वही तरीका,
जो वहाँ पर हुआ था दिल्ली में हुआ था, पहले उनकी दुकानें लूटी, उसका घर लूटा, फिर उसको मारा गया। इसीलिए मैं कहता हूँ बिल्कुल ना होता हरियाणा में आज, अगर दिल्ली में कत्लेआम होने वाले लोगों को सजा होती और उनको पकड़ के दिया जाता। क्या सर, मैं आपसे पूछता हूँ कि 8000 आदमी मर जाए तो अभी तक किसी को भी सजा न हुई हो? क्या ये देश का कानून है? क्या ये देश का कानून कहता है कि इतने कत्लेआम होने के बाद एक भी आदमी को सजा ना हो? तो मेरी कहने का मतलब है कि इसकी हमें इंसाफ चाहिए और हम चाहते हैं कि ये सरकार, नई सरकार बनी है, हमें इंसाफ देगी। थैंक यू सर, धन्यवाद।